हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, आज के वीडियो पर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का लेसन 20 पर है। अभी तक आप लोगों ने लेसन 19 तक का वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ आई बटन पर जाकर देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो का प्लेलिस्ट है दोस्तों, वहाँ से आप जाकर बड़ी आसानी से देख सकते हो। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के लेसन की तरफ। आज के लेसन पर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर किस तरीके से प्रोजेक्ट के लिए फ्रंट पेज कवर डिजाइन करना सीखेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए, अंत तक चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लीजिए। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के लेसन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, मेरा पास पावर पॉइंट 2019 वर्जन है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, मेरा पास माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन ही 2019 है। अगर आपके पास जो भी वर्जन है तो आप आसानी से यहाँ पर किसी भी तरीके का डिज़ाइन वगैरह क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर फ्रंट पेज कवर डिज़ाइन करने के लिए आपको यहाँ पर डिज़ाइन के अंदर क्लिक करना है। और आपको सिंपली यहाँ पर देखिए, डिज़ाइन के अंदर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्लाइड साइज के अंदर क्लिक करते हो, आपको यहाँ पर कस्टम स्लाइड साइज यानी कि आपको यहाँ पर एक पेज क्रिएट करना है। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करते हो, आपको A4 साइज सेलेक्ट करना है। प्रोजेक्ट फ्रंट पेज का कवर के लिए आपको दोस्तों A4 साइज का पेज ही सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोटेक्टिव का ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो A4 साइज और उसके बाद ओके। तो सिंपली ओके बटन पर प्रेस करते हुए आपको यहाँ पर मैक्सिमाइज करना है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर पेज रेडी हो चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसके अंदर पेज बॉर्डर आप बनाने चाहते हो तो भी आप यहाँ पर बना सकते हो। मैंने ढेर सारे तरीक़ों से यहाँ पर आपको पेज बॉर्डर क्रिएट करना सिखा चुका हूँ दोस्तों। तो अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो आई बटन पर जाइए, देख सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक पेज बॉर्डर क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसके अंदर क्लिक करते हुए यहाँ पर शेप्स का यूज़ करते हुए भी आप यहाँ पर पेज बॉर्डर वगैरह आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। फिलहाल के लिए ये वाला स्टाइल यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ कुछ इस तरीके से। अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा इतना तक करूँगा और ये भी मैं यहाँ तक कुछ इस तरीके से करूँगा और इसको थोड़ा सा छोटा करते हुए, शिफ्ट होल्ड करते हुए छोटा करूँगा दोस्तों। मैं इसको भी इस तरीके से बना लेता हूँ और बनाने के बाद दोस्तों मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से सेट कर लेता हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर जो भी कलर आपको पसंद है वही कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप चाहे तो ब्लू कलर बनाने चाहते हो, इससे भी थोड़ा सा डार्क ब्लू वगैरह आपको यहाँ पर पसंद है तो आप इस तरीके से भी यहाँ पर ये बॉर्डर आपको क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर क्लिक करते हुए कंट्रोल होल्ड करते हुए आपको यहाँ पर सेट करना है। इसके अंदर फॉर्मेट के अंदर क्लिक करना है और फॉर्मेट के अंदर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रोटेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको क्लिक करते हुए फ्लिप हॉरिजॉन्टल करना है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पर सेट कर रहा हूँ ये और ये इक्वल बनाने के लिए। और इसको भी मैं यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से इक्वल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर देखिए। और उसके बाद ये दो को सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल होल्ड करते हैं दोस्तों एक्चुअली, और कंट्रोल जी प्रेस कर लीजिए ग्रुप हो जाता है। और उसके बाद इसी को कंट्रोल होल्ड करते हैं आपको, सॉरी इसको कंट्रोल होल्ड करते इस तरीके से ड्रैग करना है, शिफ्ट भी होल्ड कर सकते हो। और उसके बाद इसी को आप यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर क्लिक करते हैं, इसको फ्लिप वर्टिकल करना है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से यहाँ पर भी बॉर्डर कंप्लीट यहाँ पर तैयार हो चुका है। आप भी इसी तरीके से बिल्कुल बॉर्डर वगैरह क्रिएट कर सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी स्कूल कॉलेज का नेम है आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए। सिंपली मैं यहाँ पर इंसर्ट के अंदर क्लिक करते हुए यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ। वर्ड आर्ट भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, मैं फिलहाल के लिए वर्ड आर्ट ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद क्लिक करने के बाद इसी को मैं यहाँ पर क्लियर कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर क्लिक करते हुए दोस्तों यहाँ पर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, और उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ग्लोरी प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल मैंने यहाँ पर टाइप कर चुका हूँ। अब सिंपली मैं यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर क्लिक करते हुए टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर क्लिक करता हूँ दोस्तों यहाँ पर देखिए। और उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफॉर्म के अंदर क्लिक करते ये वाले ऑप्शन के अंदर क्लिक करता हूँ। आप इस तरीके से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से रोटेट ऑटोमेटिकली हो चुका है। जब आपको यहाँ पर इसको फॉन्ट वगैरह आप इंक्रीज करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी आपको इस तरीके से यहाँ पर रोटेट होकर मिल जाएगा। आप चाहे तो इतना ही करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। फॉन्ट वगैरह आपको पसंद है, जो भी फॉन्ट आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर ढेर सारे फॉन्ट अवेलेबल है दोस्तों। आप चाहे तो यहाँ पर जो भी फॉन्ट वगैरह आपको पसंद है वही फॉन्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए काम कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से ढेर सारे फॉन्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो आप यहाँ से फॉन्ट वगैरह सेलेक्ट करते हुए आपका डिज़ाइन यहाँ पर खूबसूरत क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए ये वाला मुझे पसंद आ रहा है, ये फॉन्ट यूज़ कर लेना। इसको बोल्ड वगैरह करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, थोड़ा सा आपको इंक्रीज करना है तो यहाँ पर भी आप कर सकते हो। आप चाहे तो यहाँ पर आपको कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो भी आप यहाँ से दिक्कत नहीं होकर आप आसानी से यहाँ पर कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करते हो टेक्स्ट कलर, आपको जो कलर पसंद है आप वही कलर भी सेलेक्ट कर सकते हो, ग्रीन ब्लू डार्क ब्लू, इस तरीके से आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। तो अब मैं इसी को यहाँ पर मैं क्लिक करते हुए
और आप चाहे तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्लिक करते हुए भी यहाँ पर आपको जो भी आपको टेक्स्ट बॉक्स वगैरह ऐड करना है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एड्रेस टाइप करना चाहूँगा, तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर फ़ोन नंबर टाइप किया है। आप चाहे तो यहाँ पर 00 भी टाइप कर सकते हो। कंट्रोल ए करते हुए इसको मैं सेंटर अलाइनमेंट कर लेता हूँ। अब मैं इसके ऊपर यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर भी, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने फ़ोन नंबर भी कंप्लीट टाइप कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा। अब मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर रख रहा हूँ। रखने के बाद दोस्तों इसको मैं यहाँ पर बोल्ड कर लेता हूँ ताकि दिखने में काफ़ी अच्छा लगे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने फ़ोन नंबर भी टाइप कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा लोगोस वगैरह आपको स्कूल के लिए है तो आप यहाँ पर फिल कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने लोगो, मेरा पास यहाँ पर थोड़ा सा एक लोगो है दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास लोगो, ये वाला लोगो मैं यहाँ पर फिल करना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैं ये लोगो यहाँ पर फिल कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने लोगो भी सेंटर के लिए सेंटर अलाइनमेंट कर रहा हूँ दोस्तों, सेंटर और सेंटर भी अलाइनमेंट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर इसको सेट करूँगा दोस्तों। ये दोस्तों देखिए लोगो भी यहाँ पर सेट हो चुका है। आप शायद इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हो, लोगो भी आप बड़ा कर सकते हो, दिक्कत वाले कुछ भी बात नहीं, आप आसानी से कर सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ लाइन वगैरह बनाने हैं तो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो मैं कुछ इस तरीके से शिफ्ट होल्ड करते हुए यहाँ पर एक लाइन क्रिएट कर लेता हूँ। इसको लाइन कलर दोस्तों मैं फिलहाल के लिए ये वाला ब्लू कलर देना चाहता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा लाइन वेट बढ़ाना चाहता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करना चाहता हूँ। तो कुछ इस तरीके से करूँगा और यहाँ पर मैं कंट्रोल होल्ड करते हुए यहाँ पर सेट करूँगा और इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ रखूँगा, इसको क्लिक करूंगा, कंट्रोल होल्ड करते हुए इस तरीके से यहाँ पर सेट करूंगा। तो दोस्तों देखिए कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर फिल कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर एक कंप्यूटर का सिंबल वगैरह क्लिप आर्ट मेरे पास है दोस्तों, वो मैं यहाँ पर क्लिक करना रखना चाहूँगा। इंसर्ट के अंदर क्लिक करते हुए पिक्चर्स, डेस्कटॉप के अंदर मेरे पास ये वाला पिक्चर्स है दोस्तों कंप्यूटर के लिए। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हुए आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से और उसके बाद आपको यहाँ पर सेंड बैकवर्ड करते हुए रख लीजिए। तो सभी यहाँ पर इक्विपमेंट आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है, इतना तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करूँगा लोगो ताकि ये और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगे और यहाँ पर मैं नेम वगैरह फटाफट से टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ नेम। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने कंप्लीट नेम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन, रजिस्ट्रेशन नंबर वो सब यहाँ पर टाइप कर चुका हूँ। थोड़ा सा आपको स्पेसिंग वगैरह चाहिए तो आप यहाँ पर भी काम कर सकते हो, थोड़ा सा स्पेसिंग आपको बनाना है तो आप यहाँ पर इस तरीके से स्पेसिंग बनाकर आपको यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको बॉर्डर्स वगैरह बनाना है तो इसके अंदर आप इस तरीके से ये वाला बॉर्डर्स वगैरह आपको यहाँ पर बनाकर आप यहाँ पर रख सकते हो। सेव फिल कलर नो फिल करना है तो तुरंत यहाँ पर आपको बॉर्डर देखने को मिलेगा। तो आप इस तरीके से भी आपको यहाँ पर बॉर्डर वगैरह दिख जाएगा। तो आप यहाँ से इस तरीके से इसको मेंटेन कर लीजिए। अब आपको थोड़ा सा इसको ऊपर रख दीजिए, आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वगैरह टाइप कर लीजिए। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर एक डिज़ाइन क्रिएट करना चाहूँगा तो फिलहाल के लिए मैं ये वाला ही डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैं इस तरीके से राउंड कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको कलर दे दूँगा दोस्तों, ये वाला कलर आउटलाइन नो कलर कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ सब्जेक्ट। तो इसके अंदर क्लिक करते हुए वर्ड वर्ड स्टाइल 1 और यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ सब्जेक्ट। तो इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ सबसे पहले। तो अब मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ सब्जेक्ट SUVJ सब्जेक्ट और यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ कंप्यूटर। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट मैंने कंप्यूटर टाइप किया है, ये प्रोजेक्ट के लिए है एक्चुअली दोस्तों। ये फॉन्ट पेज डिज़ाइन पावर पॉइंट के अंदर आप इस तरीके से इजी तरीके से आप यहाँ पर सब कुछ क्रिएट कर सकते हो। तो इसको मैं यहाँ पर सेंटर कर लेता हूँ सबसे पहले। तो अब आपको यहाँ पर फॉन्ट वगैरह कलर चेंज करना है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखिए कितना आसानी से फ्रंट पेज कवर यहाँ पर
माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर क्रिएट हो चुका है। आप भी इसी तरीके से बड़ी आसानी से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर फ्रंट पेज कवर क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर पहली बार आते हो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर किसी नए टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।